की बांग्लादेश की ट्रेन का माहौल। पर असली मजा तो यही है टक लटक के। इंडिया के लोकोमोटिव तो बहुत देखे होंगे, आज बांग्लादेश का देखो। रिक्शा देखो, ये है बांग्लादेश की जान। 10 रुपीज का मिलता है ये इंडिया में, यहाँ पे 30 क्यों? बांग्लादेश 50 की चॉकलेट अंदाज क्या मस्त है। फोटो देखो ढाका के। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अभी फिलहाल बांग्लादेशी कैपिटल ढाका में और स्टे किया हुआ है यहाँ पे। मेरे पीछे देखिए रिसेप्शन एरिया पे हूँ, होटल व्हाइट पैलेस, काफी खूबसूरत प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ये रिसेप्शन एरिया पे आ चुकी हूँ, रूम भी काफी कोजी और नीट एंड क्लीन थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा कैसे हम दिल्ली से ढाका पहुंचे फ्लाइट लेके, बहुत ही अमेजिंग विमान बांग्लादेश एयरलाइन से आए और काफी अमेजिंग जर्नी रही हमारी। बट आज हम जाने वाले हैं सुंदरबन के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी करेंगे सुंदरबन एक्सप्रेस में। चलते हैं फटाफट से, लेट हो चुका है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा हमें, टाइम की बहुत कमी है। बाहर के जाम की हालत दिखाऊं ना आपको तो हैरान रह जाओगे, दंग। सुबह के 6 बजे से हॉर्न पीप भी हो रहे हैं, 6:30 बजे से देखोगे ना इतनी लंबी 2 से 3 किलोमीटर के लंबे जाम है। बस फटाफट से बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको ट्रैफिक का माहौल। देखो मेरे पीछे दिख रहा है कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ट्रैफिक की हद हो गई। सुबह सुबह 6:30 बजे का हाल देखो भाई, इतना ट्रैफिक, बसेस, ट्रक, उधर देखो लगभग 2-3 किलोमीटर का यहाँ जाम लगा हुआ है। क्या सिचुएशन है? Actually, every people coming for इस्तेमा। विश्व इस्तेमा people man। इस्तेमा, विश्व इस्तेमा। तो कोई फेस्टिवल है? Yeah, festival, Muslim festival, Muslim festival, Muslim festival। ईद टाइप, ईद टाइप। Oh, okay। तो इसलिए इतना रश है सुबह सुबह। अरे बाबा। देखो। तो यहाँ पे आ चुकी है हमारी कैब और निकलते हैं यहाँ से ढाका रेलवे स्टेशन, जिसे कमलापुर नाम से भी जाना जाता है। कितना किलोमीटर होगा भैया यहाँ से? 25 लगभग 1 से 1.5 घंटा। बट ये जो जाम की हालत है ना, देख के बहुत चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। भैया पहुँचा देना टाइम से। भैया आगे ऑटो देखो, ढाका के पूरे पैक्ड रहते हैं ऐसे। वैसे मैंने सुना था ढाका जो है ना रिक्शा का शहर है, 1 मिलियन से ज्यादा रिक्शा है। बट बसेस की हालत भी देखोगे तो कुछ कम नहीं है, 1 मिलियन से कम नहीं है यहाँ की बसेस। देखो लाइन से लगी हुई है, लाइन से बसेस। तो लगभग 1 घंटे के बाद हम फाइनली यहाँ पे पहुंचे हैं, पुराना ढाका है जहाँ पे स्टेशन है। और देखो क्या माहौल है यार, इतना रश, 1 घंटे में पहुंच पाए शुक्र मनाओ, इतना ट्रैफिक था हर जगह, बसेस, ऑटो। देखो भाई ऐसा माहौल है अभी का, सुबह सुबह पब्लिक फुल ऑन आवाजाही, और सामने इधर टिकट काउंटर है ऐसे ओपन में, ऐसे ऐसे ये ग्रिल से बनी हुई है, जा रहे अंदर प्लेटफॉर्म पे। सुंदरबन एक्सप्रेस है, टाइमिंग जो है यहाँ से चलने का 8:15 है। प्लेटफॉर्म हमें पता नहीं, ये भाईजान मिले हैं ये बताएंगे, भैया कौन से प्लेटफॉर्म पे है? सुंदरबन हाँ, अभी प्लेट नंबर नहीं आया। अच्छा आएगा, ठीक है, टाइम है अभी। ओके थैंक यू। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और इधर दिख रहा है 7। 8 नंबर कहाँ है? ये आए हैं भैया हमें लेने, गुम हो गए थे हम। हाँ फॉलो इनको फॉलो करो कह रहे हैं। ये पापड़ वाले भैया देखो क्या गजब लग रहे हैं टोकरी में। ये है सुबह का ढाका, हसलिंग बसलिंग, पापड़ झापड़ सब मिलता है। हमारी ट्रेन का फर्स्ट लुक देखो ऐसे दिखती है ये ग्रीन कलर में, मजा आ गया भाई देख के। अरे वाह, डाइनिंग कार भी है इस ट्रेन में। तो सुंदरबन एक्सप्रेस एक इंटरसिटी ट्रेन है जो चलती है ढाका से खुलना के बीच। अगर आपको सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन जंगल है, उसको एक्सप्लोर करना है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ट्रेन। वेलकम टू बांग्लादेश रेलवे। तो यहाँ पे ये फाइनली हमें मिले हैं एक कंडक्टर साहब बस के, नहीं ट्रेन के, तो इन्होंने हमें हेल्प किया है कि यहाँ इसी कोच में है हमारी रिजर्वेशन। यहाँ पे देखो ये कोच है 51 चेयर का, यहाँ पे है ना कोचेस जो है 51 चेयर है, फर्स्ट क्लास सीटिंग है, बट हमारा जो है ना वो स्लीपर है, एसी क्लास स्लीपर। और यहाँ पे हम आए हैं सबसे पहले सबसे आगे इंजन दिखाने के लिए। यहाँ का लोकोमोटिव देखो भाई, इंडिया के लोकोमोटिव तो बहुत देखे होंगे, आज बांग्लादेश का देखो भाई, बांग्लादेश का लोकोमोटिव। सुंदरबन एक्सप्रेस ट्रेन के चलने का समय है ढाका से सुबह के 8:15 पे, हम जाएंगे खुलना। ढाका से खुलना के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 400 किलोमीटर का, वो ये तय करेगी। खुलना पहुँचाने का समय है 3:50 3:50 PM। ढाका रेलवे स्टेशन से
ट्रेन जो है बांग्लादेशी फ्लैग से मोटिवेटेड है, पूरे फ्लैग को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ट्रेन पे। माहौल देखिए, यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म तक आपको उधर मिलेंगे और 8 प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारी ट्रेन आई है ना, यहाँ पे वो थोड़ा सेपरेट लगता है। ये देखो ये आए भैया। अरे वाह, क्या लेके आए इसमें? क्या तिजोरी है? व्हाट इज दिस? टूल बॉक्स। ओह, टूल बॉक्स, ओके। खड़ी हुई थी ट्रेन, बट अब फाइनली प्लेटफॉर्म पे आई है। मुझे लगा ट्रेन बिफोर टाइम होगी स्टार्ट, बट नहीं, ऐसा नहीं था। और फिर चलेगी ऑन टाइम, 8:15 का समय है, उतने टाइम पे ही चलेगी। देखो ऊपर ट्रेन पे चढ़ गए हैं वो लोग कि पानी डाल पाए, यहाँ पानी फिल किया जा रहा है ट्रेन में। ट्रेन अभी रुकी हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा एसी स्लीपर। फर्स्ट एसी स्लीपर है ये, कैसा है हमारी भारतीय रेल से मिलता जुलता बांग्लादेशी रेल। देखो ये पूरा ऐसे कॉरिडोर है, जैसे हमारे फर्स्ट एसी में होता है ना, उस टाइप का ये एक बालकनी बोल सकते हो, पूरा कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ से आप जाएंगे, और साथ में इधर रूम अटैच्ड है। दिखाते हैं आपको एक बार कोच कैसा दिखता है। देखो ये डोर इसके कैसे लकड़ी के बने हुए हैं, ओपन करते हैं तो आ जाते हैं हम अपने कोच में। तो ये है इधर मेरी सीट नंबर 13 मिला है। तो देखो वैसे ये जो दिन के समय चलती है ना, जैसे इसका रिटर्न का टाइम जो है वो नाइट का होता है, दिन में चलती है तो ये 4 पैसेंजर को अलॉट की जाती है। फिलहाल इसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे। और देखो ये है सीट नंबर, देख सकते हो इधर लिखा भी हुआ है 16, 13, 14, 15, 16। तो ये 4 पर्सन के लिए है, अभी मुझे मतलब इतना आइडिया नहीं है। अगर आपको कोई देख रहा हो यहाँ का ढाका से तो मुझे आप बताना कमेंट्स में कि क्या सिस्टम रहता है। तो ऐसा दिखता है यहाँ का कूपे। हमारे इंडिया में क्या होता है ना, कूपे में 2 ही पर्सन अलाउड होते हैं, बट यहाँ पे 4 पर्सन के लिए है ये कूपे। डबल बांग्लादेश में उसको बात बोलते हैं, डबल बर्थ। डबल बर्थ, सिंगल बर्थ। सिंगल बर्थ, ये सिंगल बर्थ है, वो डबल बर्थ है। ये कूपे है, वो कोच है। सिंगल बर्थ माने दो जन लोग रात में एटा 2 पर्सन कर सकते हैं एंट्री एंट्री रात को 2 पर्सन डे टाइम 4। हाय बिस्किट, क्या बेच रहे हैं भैया? देखो इसमें चॉकलेट बिस्किट बहुत कुछ चीजें यहाँ पे ट्रेन में बेचने के लिए आए हैं। कितने का है ये फैंटेसी, डार्क फैंटेसी? प्राइस 110 बांग्लादेशी टका, 110 का है ये बांग्लादेशी टका। इंडियन प्राइस में हुआ ये 75 लगभग। और ये चॉकलेट कितने की है? 5 स्टार 50 50 की चॉकलेट, 50 रुपए की 5 स्टार, वाह मजा आ गया। देखो इधर से एक और ट्रेन आई है, लोकल पैसेंजर ट्रेन है कोई तो, आई थिंक। भाई आप बताना कमेंट्स में कौन सी ट्रेन है ये। ये देखो बांग्लादेश पुलिस की यूनिफॉर्म, ग्रीन कलर की इनकी शर्ट होती है, वाह मजा आ गया। फाइनली ट्रेन निकल चुकी है ढाका स्टेशन से। देखिए ऐसा है यहाँ का भी, पूरा रिक्शा मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे, और सामने एक बिल्डिंग भी है। We'll be right back.
श्रीनगर से थोड़ा सा आगे यहाँ पे महुआ ये रेलवे स्टेशन है थोड़ा सा, और यहाँ पे पता नहीं क्यों ट्रेन रुक गई है सिग्नल की वजह से। पीछे देखो यहाँ पे कर्व बहुत खूबसूरत है, और इधर ही साथ में हाईवे भी है जो कि खुलना और ढाका को कनेक्ट करता है। बहुत ही गजब का हाईवे बना हुआ है यार, मजा आ गया। ट्रेन जर्नी भी काफी स्मूथ और अच्छी चल रही है, और अभी बस हम वेट कर रहे हैं कि कब वो ब्रिज आए और कब हम पता रिवर जो है उसको क्रॉस करें। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ब्रिज और कर्व मिलने वाला है। वही नदी है जो हमारे भारत के उत्तर में बसे गंगोत्री से निकलती है, गंगा माँ, यही वही पवित्र नदी है गंगा। यहाँ पे आके इसका नाम चेंज हो जाता है, बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। वैसे यहाँ के लोग जो है वो पदा बुलाते हैं बांग्ला भाषा में। ढाका से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके ट्रेन पहुंची है पहले होल्ट फांगा। यहाँ पे ट्रेन रुकेगी 2 से 3 मिनट मात्र। फर्स्ट क्लास स्लीपर का हम फेयर पे कर रहे हैं 1165 टका, जो कि लगभग इंडियन करेंसी की बात करते हैं तो होता है 815 रुपए। देखो 815 में हमें ये मिला है, बट इसमें कोई भी मील इंक्लूडेड नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं है। और साथ में हमारे यहाँ पे 2 और पैसेंजर हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे ये है ढाका से, बट इनका बिजनेस है लंदन में। किस नाम से बता रहे? न्यू बाल्टी किंग के नाम से है। देखो इनके साथ हम बहुत देर से बातें कर रहे थे तो काफी फ्रेंडली हो गए। अभी ये जा रहे हैं अपनी बेटी से मिलने, है ना, बेटी के ससुराल जा रहे हैं। अच्छा, बेटी लंदन में है, ससुराल में मिलने जा रहे हैं। पानी की बोतल कितने की है? 20 टका बोतल है ये, छुटकी सी। क्या लिखा है ये इस पे? फ्रेश। अच्छा, ये फ्रेश ब्रांड है, ये इंग्लिश में भी लिखा है। ये क्या है? चिकन है, कटलेट जलेबी। ओह, कटलेट है, ब्रेड है। अच्छा, ये है कटलेट और ब्रेड। ओके, कितने का टका? हाउ मच? 190। मिल गए हमें चेंज, अलग अलग तरह के गुलाबी नोट, 2000 का गुलाबी नोट। ओके, नाइस मीटिंग, बाय। देखो यहाँ पे ट्रेन है ना, काफी खाली हो गई है, और ये है ऐसा कुछ कोच हमारा बाहर से, जगह का नाम है फरीदपुर। 2 मिनट का होल्ड है यहाँ पे भी सिर्फ। ये थे हमारे साथ पैसेंजर जो ट्रैवल करते, को पैसेंजर। बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गर्मा गर्म स्पेशल डिप वाली चाय है, बहुत देर से इसकी डिमांड थी। वाह, मजा आ गया, शुक्रिया। चलती ट्रेन में ये मिल जाए, और क्या चाहिए। साथ में इधर है ब्रेड के अंदर लगा हुआ है थोड़ा सा जैम। ये है कटलेट। देखो भाई किस शेप का है, पूरे घी में लबालब, ऑयली ऑयली। बहुत हार्ड है।
ब्रेड जैम मतलब कुछ भी नहीं है तो ब्रेड जैम ही सबसे सही है। कॉफी कॉफी अच्छा, और क्या है इसमें बंगाल टाइगर में इसमें? डेनिस। अच्छा ये बनाओगी कॉफी? ये क्या है? दूध वाला डेनिस। किसका मिल्क है ये? मिल्क काउ मिल्क। हाँ हाँ। ओ, यहाँ बन रही है हमारी ब्लेंडेड कॉफी, हाथ से इसको ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्स करके बनाएंगे। फीलिंग आ रही है, खुशबू भी आ रही है। तो ये देखो यही गर्मा गर्म खुशबूदार कॉफी भाईजान के हाथों द्वारा बनी। और कोच देखो यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, ऐसे खोल के आप जा सकते हैं। तो यहाँ देखो पूरा मार्केट एरिया है और ट्रेन पहुंची है हमारे फिर से नेक्स्ट स्टॉप पे। यहाँ पे देखो पूरा हसलिंग बसलिंग है भाई, गजब भीड़ भड़ाका तगड़ा। और ये बांग्लादेशी रिक्शा देखो यार एक बार जरा, ये रिक्शा देखो, ये है बांग्लादेश की जान। ऑफिशियल राजवाड़ी स्टॉप पे रुकी है और यहाँ पे ट्रेन का होल्ड है सबसे ज्यादा 10 मिनट के लिए। तो ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है और यहाँ पे सामने देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे से स्टॉल बने हुए हैं खाने पीने के लिए, देसी जुगाड़। और ये बच्चे मिले हैं स्कूल के हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ओह वाओ, बहुत अच्छा लगा, इनको हिंदी आती है सबसे अच्छी बात, वरना नॉर्मली है ना यहाँ पे हिंदी बोलने वाले कम ही दिखते हैं, बांग्ला ही बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा, स्टडी करते रहो आप, ठीक है? हमारी ट्रेन का नंबर है 726 और जो रिटर्न में आती है सुंदरबन एक्सप्रेस उसका है 725। ये देखो बंगला में लिखा हुआ है। तो फिर से आ चुके हैं अभी कोच में और देखो यहाँ पे ना गेट ऐसे गेट है लकड़ी का बना हुआ, बंद कर सकते हो, और यहाँ पे ग्लास है। वैसे कर्टन होते हैं हमारे इंडियन रेलवे में, अगर कूपे में या केबिन में आपको जर्नी करते हैं तो यहाँ पर्दे तो नहीं है बट ग्लास ऐसा है कि विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी नहीं होती इसमें, मतलब ब्लैक ग्लासेस हैं। और यहाँ पे अगर ऊपर जाना है आपको तो देखो यहाँ स्टेयर्स भी दी हुई है, यूजुअली तिजोरी नहीं है, यहाँ पे एक सेफ भी होना चाहिए कि लॉकर हो तो अपना कुछ कीमती सामान रख पाए। ऊपर सोने के लिए है एक पैसेंजर का, एक नीचे के लिए है, दो सीट्स रहती हैं, बीच में यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पानी चाय या कुछ भी सामान रख सकते हैं। और यहाँ ऊपर दिया हुआ है फैन। वैसे यहाँ पे कूलिंग भी अगर बात करो ना अच्छी है अभी फिलहाल, पहले तो ऐसा लग रहा था कि एसी चल ही नहीं रहा बट अभी एसी इतना तेज हो गया है, ठंडा हो गया है। ओके, यहाँ पे देखो ट्रेन रुकी है, यहाँ पे भी 2 मिनट के लिए रुकेगी ना, 2 मिनट रुकेगा, हाँ शायद 2 मिनट, पक्का नहीं है, तो 2 मिनट रुकेगी यहाँ पे भी। और देखो यहाँ पीछे दुकानें मिल जाएंगी बहुत सारी फर्नीचर की, मैं यहाँ देखती हूँ बहुत ज्यादा वुडन की चीजें बनती हैं, कबूतर का जो पिंजरा होता है ना रखने का वुडन में वो बन रहा था, इतना खूबसूरत। थोड़ी देर सोच रहे हैं कि एक पावर नैप ले ली जाए और चलते हैं ऊपर, ये सीट खाली है, नीचे वालों पे तो पैसेंजर है बट इस पे आ जाएंगे। थोड़ी पावर नैप की जरूरत है भाई, सुबह सुबह पता है कितने बजे उठे थे? 5 बजे, तो निकल पाए थे हम 6 बजे के आसपास ट्रेन पकड़ने के लिए इतनी दूर से। मिलते हैं आपसे एक छोटे से पावर नैप के बाद, बाय। ये देखो भाई लोकल ट्रेन बांग्लादेश की, ये है असली सफर, हम तो एसी में वैसे ही जा रहे हैं बट असली मजा तो यही है लटक लटक के। ट्रेन निकल रही है, देखो कितने जबरदस्त ट्रैफिक और दुकानों के बीच में से, तो ये है यहाँ की लाइफ, मस्त
यहाँ पे साइडों में दोनों तरफ दुकानें होती है, बिल्कुल सटी हुई, बिल्कुल एकदम देखोगे ना ट्रैक के साथ सटी हुई दुकानें हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ट्रेन का कर्व, और बच्चे देखो कैसे झूम उठे हैं ट्रेन को देखते ही। पर यहाँ पे कुछ खाने पीने का नहीं है, ट्रेन में भी हमने है ना पूछा था कुछ खाने का मिलेगा क्या, बट पता है क्या है, मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने बोला क्या है, बोले चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव होता है वो, मुर्ग पुलाव वो है, और मतलब नॉन वेज के ऑप्शन थोड़े ज़्यादा हैं, वेजिटेरियन में कुछ नहीं है। सुबह भी ब्रेड कटलेट खा के मतलब काम चलाया, बोले वही ऑप्शन है वही ले आए दोबारा से गर्म करके। मैंने कहा ले आओ, दे रहे हैं 40% का, और 40% मतलब आप इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब 1.43 रेट चल रहा है अभी अगर आप इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करते हैं। 100 बांग्लादेशी टका है ना वो 143 इंडियन करेंसी INR होगा, तो आप कन्वर्ट कर लेना, कमेंट में बता देना भाई। व्हाट आर यू सेलिंग? हाँ अच्छा, वाटर, पानी और कोल्ड ड्रिंक। ये कितने की है? कोका कोला, काका काला, हाउ मच? 30%, 30%, 30%। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप आए हैं उधर दिल्ली कभी? नेक्स्ट टाइम कोलकाता। नो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक बांग्ला, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। हरियाणा? नाउ टूडे खुलना, वी आर गोइंग टू खुलना। नाइस, वी आर गोइंग टू खुलना, ग्रेट। होपफुली इट वुड बी ब्यूटीफुल। तो लंच में फिर से वही ब्रेड और कटलेट, क्या करें यार कुछ मिल नहीं रहा, क्या करें यही खाना पड़ेगा। 1:30 बजे तक वेट किया, कुछ मिल जाएगा राइस दाल टाइप, पर कुछ नहीं मिला। भूख लगी है, खा लेते हैं। फिर से आ गया एक और हॉल्ट, और इधर देखो लगी है एक और ट्रेन बांग्लादेशी। देखो यहाँ की हरियाली, देखो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और यहाँ पे देखो एक छोटा सा खोखा है आंटी का। सलाम, ठीक हो? यहाँ पे देखो किस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, मिस्टर ट्विस्ट चिप्स देखो आलू के, बॉम्बे स्वीट्स का, ये बॉम्बे स्वीट्स के हैं इनके पास ज़्यादातर। ढाका से खुलना के बीच 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लगभग 10 घंटे लेती है। कौन सा फ्रूट है? ड्रैगन फ्रूट। और यहाँ पे ना ड्रैगन फ्रूट की भी बीच बीच में खेती है, ये देखो ये है ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट की खेती। देखो ट्रैवलिंग में क्या होता है ना, आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलती है, तो देख के समझ आता है कि देखो यहाँ पे इतना ज्यादा लाइन से ये पूरा ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल चेंजेस देखते हो ना, मुझे तो लगता है कि हमें जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन और ट्रैवलिंग करने से सीखने को मिलता है ना, आई थिंक लाइफ में किसी और चीज से सीखने को मिले। ये देखो भाई बांग्लादेश की ट्रेन का माहौल, वाह भाई वाह। ट्रेन जो है ना मुबारकगंज से निकल रही है, बस यहाँ पे हल्की हल्की ठंडक होती है शाम के समय, दिन में थोड़ी सी गर्मी तो होती है, बट देखो यार सबसे अमेजिंग चीज क्या है ना, इधर आपको बनाना की प्लांटेशन मिलेगी, देखो यहाँ पूरे बनाना लगे हुए हैं, हर एक पेड़ पे कम से कम गुच्छे के गुच्छे, 10-10-20-20 गुच्छे लगे हुए हैं। और सुंदरबन एक्सप्रेस 726 नंबर वीक के 6 दिन चलती है, और वेडनेसडे को ओपन है। कितने का है? 30 का लेज। अरे हमारे तो 10 रुपीस का मिलता है ये इंडिया में, यहाँ पे 30 क्यों? बैड टैक्स, इंपोर्ट इंपोर्ट फ्रॉम वेयर? इंडिया।
ऐसे ही लेके आया करो भाई। नीचे हांडी सी लगा रखी है और इसमें बना रहे हैं, क्या है ये भेलपुरी क्या है? चना चिप्स। अच्छा, चना चूर 20 रुपए। ठीक है जी, शुक्रिया। ये देखो गजब का रश, मजा आ गया भाई देख के। अब लग रहा है पता है बांग्लादेश की ट्रेन में हो। तो ये है शोवन चेयर, जहाँ पे मतलब एक तरीके से ये इंडिया का जनरल कोच होता है ना, वैसे ये शोवन चेयर है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो होता है ट्रैवल करते हैं। ये देखो कैसे जुगाड़ लगा के घुस गए हैं भैया, अरे घुस गए जुगाड़ लगा के। देखो ये है अभी फिलहाल माहौल ट्रेन का, चलते हैं एक बार यहाँ का एसी चेयर कार और देख लो ऐसा कुछ दिखता है एसी चेयर कार। अब तक आपको जो दिखाया वो एसी फर्स्ट क्लास था जिसमें हम ट्रैवल कर रहे थे, बट इसमें मोस्टली लोग ट्रैवल करते हैं। देखो कितना फुल ऑन रश चल रहा है यहाँ पे, और जो पीछे था ना जनरल कोच जैसे धक्का मुक्की दे के चढ़ रहे थे, बस उसका तो आप पूछो मत क्या हाल था। जी इंडिया, ये वरना इतनी पब्लिक को देखते हुए लग नहीं रहा था कि ठंडे हालात मिलेंगे। चल पड़ी है ट्रेन हमारी, और कोच जो है ना वो सब इंटरकनेक्टेड है, तो आप वो सफर कर सकते हैं। मुझे अपने एसी कोच तक जाना है, स्ट्रगल तो है ना। हम लोग ये सीटर कोच था, यहीं बैठ गए और नेक्स्ट जो स्टेशन आएगा वहाँ से उतर के फिर जाएंगे अपने स्लीपर कोच में। बट मुझे एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा सही लगी है, मैं जैसे बांग्लादेश में आई हूँ ना और 2 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ स्पेंड करते हुए, और यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली इतने अच्छे लगे हैं, हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं। इन्होंने अपनी सीट दे दी मुझे, और इवन यहाँ का जितना भी ट्रेन का स्टाफ है एंट्री बॉय है वो बहुत डिसेंट है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, और यहाँ के लोग भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश के लिए आप सोच सकते हो आने के लिए विजिट करने के लिए, इट्स वेरी सेफ फॉर गर्ल्स इवन। रुकी है फिर से ट्रेन 2 मिनट के लिए, नावा फॉर जगह का नाम है, तो फटाफट से भाग के जाते हैं अपने कोच में। यहाँ पे भी फुल ऑन रश देखने को मिला है भाई, बट भाग के जाना पड़ेगा, हॉल्ट बहुत कम है। डेस्टिनेशन खुलना पे पहुंचने वाले हैं और ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हो चुकी है यहाँ पहुंचते। यहाँ देखो यार पटरियों के किनारे कैसे लाइफ है, कैसे लाइफ बिताते हैं यहाँ के लोग। 5:01 पे पहुँच रही है ट्रेन खुलना, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है और ट्रेन का भी फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ पे ट्रेन पूरी खाली होने वाली है। यहाँ तक हमारा लगभग 425 किलोमीटर का डिस्टेंस और 9 घंटे में तय होता है। हल्का हल्का सा यहाँ पे सनसेट भी होने को लग गया है, वैसे ना यहाँ पे सनसेट थोड़ा जल्दी हो जाता है, इवनिंग थोड़ा जल्दी होती है। और ये देखो यहाँ का जनरल कोच का लास्ट लुक देख लो, पूरा माहौल देख लो एक बार प्लेटफॉर्म का। अगर आपको ये बांग्लादेश की ट्रेन जर्नी का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। अभी हम जाने वाले हैं, बहुत टायर्ड हो गए यार, सुबह सुबह जल्दी उठ के आए तो जर्नी तो काफ़ी हैक्टिक और टायर्ड थी। अभी जाते हैं हम सीधा डायरेक्ट अपने होटल में, रेस्ट करते हैं जाके। ये ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।